कि करप्ट होने से ज़्यादा वो बायस्ड होते हैं। जब भी उनको अपने विवेक विजडम का इस्तेमाल करना होता है तो उसका इस्तेमाल वो अपने जाति के पक्ष में करते हैं और दलितों अस्पृश्यों के खिलाफ करते हैं। डिड यू गेट माई आंसर? अल्टीमेटली ये सिर्फ सरकार का मसला नहीं है, ये संस्कार का मसला है। जजेज जो है कोई ऊपर से ड्रॉप नहीं होते हैं, जजेज जो हैं ऊपर से ड्रॉप नहीं होते हैं, जजेज भी इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं। वाइस चांसलर कोई ऊपर से प्रोडक्ट नहीं होते, उनकी भी जाति होती है, उनका भी क्लास कैरेक्टर है, उसका भी जातीय कैरेक्टर है, ठीक। तो कोर्ट में कितने मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूँ, मैं तो पूरी किताब लिख सकता हूँ, जनऊ लीला और न्याय शास्त्र, जनऊ समझते हो ना, मैंने तो सुप्रीम को अभी भी चार मुकदमे हाई कोर्ट में है। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। मारो मत भागो, मारो मत भागो, इंटरप्रिटेशन बदल गया। हमारे यहाँ जितने लॉ, यहाँ न्याय मिलना कितना मुश्किल है पता है? लॉयर्स की फीस पता है? किसी दलित बैकवर्ड ट्राइबल वुमेन को गरीब है उसका मुकदमा लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितने लॉयर्स होंगे? और तारीख पे तारीख कैसे ऑर्डर? मैं जानता हूँ ना, बहुत सारे जजेस को भी जानता हूँ। जब जजेस का अपॉइंटमेंट ही जब फेयर नहीं है, कॉलेजियल सिस्टम जज ही जज बना रहा है, एंड वी आर जुडिशियल फैमिलीज, 250 जुडिशियल फैमिलीज, दे आर होल्डिंग द एवरी टॉप पोजिशन, एंड यू एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम वहाँ से मिल जाएगा? SC ST एक्ट कहाँ से ख़त्म हुआ था? पार्लियामेंट से ख़त्म हुआ था, कोर्ट से ख़त्म हुआ था? रोस्टर सिस्टम जो था 200 रोस्टर पॉइंट, वो पार्लियामेंट से ख़त्म किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया था? जिस जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी, आपने देखा है बिल्किस बानो मामले में क्या हुआ है? कितने सारे सीरीज ऑफ ऑर्डर्स हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस को पॉलिटिकली ही, हर आम आदमी को कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता है क्योंकि जजेस आंसरेबल नहीं है सोसाइटी के प्रति, लीडर्स आंसरेबल हैं। अगर आप हमें इस बार नहीं सुनोगे तो अगली बार वोट नहीं देंगे, हरा देंगे। नरेंद्र मोदी को भी जाके पांव धोना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ का जुडिशरी तो जितना मुझे लगता है कि इसका पैराडॉक्स देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही भारत, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, युद्ध की धरती से नहीं आया हूँ। यहाँ का जुडिशरी का आप मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए, लोग कंटेम्प्ट ऑफ को कैसे, जुडिशरी कोई खुदा नहीं है, गॉड नहीं है। डेमोक्रेसी में सबकी समीक्षा होती है, जजेस के ऑर्डर की भी समीक्षा होगी। मैं अगर प्रोफेसर हूँ, इफ आई एम राइटिंग समथिंग, किसके लिए लिखता हूँ? इट इज मेंट फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, लोगों को पढ़ने के लिए ना। मेरी किताबें जाओ नेट पे चेक करो, सारी किताबें खटखट मिल जाएंगी कि रतनलाल, ऑथर्ड बाय रतनलाल। यहाँ जब प्रोफेसर और वाइस चांसलर बने, या फॉर्म चुपके से भर के पता ही नहीं लगे कि कौन सा आर्टिकल आपने लिखा है, कौन सा किताब लिखा है, कहाँ लेक्चर दिया है, और तब भी कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट बोले कि नो, दिस इज एकेडमिक मैटर, है मैं फाइल दिखाऊँ क्या? एकेडमिक मैटर, तो एकेडमिक मैटर में अगर छेड़छाड़ हो जाएगी, किसी का हत्या हो जाएगा, तो एकेडमिक मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा? है आप जो है, अगर मैं हूँ, मेरे बारे में, जैसे आप फीमेल हैं, आप सब यंग स्टूडेंट्स, कौन आपको कैसे देखता है, आपको सिक्स सेंस से पता लग जाता है ना, आपके उन नज़र से, उसका नज़रिया कैसा है। तो जो विक्टिम होता है ना, विक्टिम, वो भी पता कर लेता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। किसी ब्राह्मण के प्रोफेसर के घर के सामने डस्टबिन खोल सकते हो? हैं, हिम्मत है? तो किसी और के सामने तो खोल सकते हो। तो ये खेल है जुडिशरी सब, जब तक लोग यहाँ मोबिलाइज, डेमोक्रेसी है, जब तक रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगा, लोग चढ़ेंगे नहीं पूरे पॉलिटिकल क्लास पे, पॉलिटिकल क्लास पे एकदम उसको अवेयर नहीं करेंगे। जैसी राजसत्ता होती है वैसा ही जुडिशरी होता है। और इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर पूछ लेना, उसके बाद खाना भी खा लेना। कांग्रेस के लीडर्स कहाँ से आए थे, कौन सी किताब पढ़े थे? हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं हैं, मैं अंबेडकर ज़्यादा पढ़ता हूँ। अंबेडकर कहाँ से पढ़ के आए थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी,
जवाहरलाल नेहरू, गांधी, तमाम ऐसे लोग कहाँ से पढ़ के आए थे? बाहर से, सब इंग्लैंड से आए थे। तो उनके ऊपर लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरल लॉज, इनका एक इम्पैक्ट था। भारत तो अजीब देश है, यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा सोशियोलॉजिकल लैब है। जात के नीचे जात, जात के नीचे जात, ब्राह्मण में ही देख लो तो उसमें भी अछूत ब्राह्मण मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, ये ब्राह्मण है वो इसके यहाँ भी ब्राह्मण में जाकर तो कंटाहा ब्राह्मण जो श्राद्ध कराता है उसको जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है साथ नहीं बैठाता, भगा देता है। जात के ऊपर जात है तब भी वो ब्राह्मण मानता है अपने आप। तो बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं। स्टेट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना टू इन सस्टेनिंग कास्ट बिकॉज इट बिकम्स एन इमीडिएट वोट बैंक। तो विल इट डू अवे विद कास्ट? कास्ट कैसे खत्म होगा? गरीबी रिक्शा चलाने वाला आदमी बोले कि हम गरीबी खत्म कर दें, कर देगा? कास्ट तो मोहन भागवत और शंकराचार्य ना खत्म करेगा। तुम्हारे घर तुम्हारी कोई फ्रेंड ट्राइब है, दलित है, बुलाओ, साथ रहो, खाना खाओ, ना तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे पैटर्न में कोई अंतर नहीं, तभी ना जाति डस्टर से मिटा नहीं सकते तुम्हारे माता से। हम तुम मानो ना मानो लेकिन तुम्हारी जाति है, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारा धर्म है। यहाँ तो हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं। नास्तिक भी है वो भी हिंदू है, अघोड़ी है वो भी हिंदू है, कालामुख है वो भी हिंदू है। कौन वाले ब्रांड वाला हिंदू हो? अघोड़ी वाले ब्रांड वाले हो? तो ये मिटेगा कैसे? मिटेगा जो टॉप पे लोग हैं, जो पावर पोजिशन पे हैं। जाति मिटने का मतलब स्लेट डस्टर नहीं है, जाति मिटने का मतलब है रहन सहन, खान पान, उठने बैठने, सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर, जो अपॉर्चुनिटी हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसमें भेदभाव नहीं। ये तो जाति खत्म करना है। कोई आपके क्लास में अगर कोई बहुत गरीब स्टूडेंट है तो उसको बाहर मत बैठाओ, पानी पीने पर मारो नहीं, मिड डे मील का कमीशन मत खाओ, मिड डे मील का कमीशन मत खाओ, सबको बराबर खिलाओ। दलित महिला अगर खाना बना रही तो उसे ब्राह्मण बच्चों को कौन सिखलाया कि ये दलित के हाथ का खाना नहीं खाना है? उत्तराखंड सुनीता देवी का मैटर पता है? नहीं, नहीं। भोजन माता स्कूल में खाना बना रही थी, ब्राह्मण के बच्चे आए बोले कि दलित के हाथ का बना नहीं खाएंगे, किसने सिखलाया? ये होता ना जातिवाद खत्म करना। जातियां तो जन्मना है, इट्स बाई बर्थ, यू बिलीव और नॉट बिलीव, डोंट बिलीव इन द कास्ट। लेकिन लोग तुमको मानेंगे कि किसकी बेटी है, तो इनकी बेटी है, गोयल साहब की है, चड्डा साहब की है, ठाकुर साहब की है, मिश्रा जी की है। इंटरव्यू में जो लोग बैठते हैं, जो मार्क्स देने में बैठते हैं, वो कौन लोग होते हैं? उसका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड का कैसे है कि एक शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट 500 में 450 नंबर ला रहा है और इंटरव्यू में 100 में 30 नंबर ला रहा है? लॉ के हिसाब से देखिए, लॉ का तो इंटरप्रिटेशन होता है ना। अब जो पावर में, सत्ता में जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, जो लोग आप नज़र रखो, सील्ड इनवेलप, क्या जस्टिस सिस्टम देखा है? सील्ड इनवेलप जस्टिस सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जब, तो वहाँ सरकार अपने तरफ से सील्ड में पैक करके जज को देती है। जज साहब क्या उसमें लिखा है नहीं लिखा है पब्लिक को नहीं पता है, ओपोनेंट लॉयर को नहीं पता है, सिर्फ जज साहब देख के समझ लेते हैं न्याय हो गया। आपने पढ़ा है सील्ड कवर जो है जस्टिस? पढ़िए सील्ड कवर जस्टिस, गो एंड सर्च ऑन गूगल सील्ड कवर जस्टिस। ना ओपोनेंट लॉयर को पता है ना पब्लिक को पता है। अगर सरकार जो है, मान लो कि कोई बोफोर्स केस, या मान लो उसके बाद अभी कौन सा रफेल केस, उसमें इतने सारे चार्जेज हैं, सील्ड कवर जो है लिफाफे में सरकार रिप्लाई दे रही है, पता लगा कि उसमें जो है जज साहब का कहीं का फोटो लगा हुआ है, बोले जवाब है हमारा सरकार की ओर से, समझ गए बात? तो जज साहब देखेंगे बोले बहुत अच्छा रिप्लाई है, जवाब है, अच्छा है, बंद कर दिया। हाँ, तो ये बात है ना, समझ गए बात? जब ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वहाँ पे एकाद ऑर्डर ऐसा तुमको कभी कभी मिल जाएगा। अब बाबरी मस्जिद का पूरा जजमेंट है वो लॉजिक पे बेस्ड है, आर्गुमेंट पे बेस्ड है कि इमोशन पे बेस्ड है? तो इमोशन से कहीं जुडिशरी काम करता है, मेजोरिटी का जो भावना है वो उस हिसाब से काम कीजिएगा कि लॉ के हिसाब से काम कीजिएगा।
अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग दावा झूठ मूठ का बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन है नहीं। अब चलो शॉर्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर, गिवन कि आप प्रोफेसर हैं, आप इन सब फील्ड में काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि दलित स्टडीज और जो अकेडमिया फील्ड है इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस में कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा। वो जब रिजर्वेशन यहाँ आया था, मैं आई वॉज ए स्टूडेंट एट दैट टाइम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भाषण चल रहा था कि सरस्वती के मंदिर में अपवित्र हो जाएंगे। अरे सरस्वती पुत्रों, एक सुई तो बनाए नहीं अपने ढंग से, जनऊ भी बनाए तो वो भी अपने नहीं बनाया होगा, हमारा बुनकर भाई भी बनाया होगा। हैं, पहला स्कूल कौन खोला था भारत में लड़कियों के लिए, पता है तुम लोग को? हाँ। कौन? ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले। तुम जो है मिथक जो है पूरा कहानी बता रहे हो। दिल्ली मेरे कॉलेज में भाषण चल रहा था कि सरस्वती के मंदिर में भली शूद्र अति शूद्र आएंगे, तो मेरिट तुम अपनी दिखाओ पहले, जितने हजारों साल से कल्चरल कैपिटल लिए हुआ तुम्हारे दादाओं से और तुमसे भी लड़के जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कंपेयर कर लो। हमारे दादा से तो खेती जोतवाए थे ना, बकरी भैंस ही पहलवाए थे ना, मौका दिए बराबर का, देयर इक्वलिटी जो है दो अनइक्वल्स में नहीं हो सकता है। मेरा बेटा पढ़ता है स्टीफेंस कॉलेज में, तो उससे टक्कर लेना, फेयर टक्कर करवाना फिर। ये थोड़ी कि मैं गांव से आया हूँ पाठशाला से पढ़ के बोरी पे बैठ के और तुम मॉडर्न स्कूल से पढ़ के आ रहा करो कि इक्वल बनो। तो इक्वल है तो इक्वल अवसर दो, तब इक्वालिटी की बात करो ना। तुम इक्वल अवसर होने के बाद भी उनके चाचा मामा दादा जो है टॉप तक बैठे रहते हैं, वो कोई जात किसी का बोलता नहीं, चेहरा देखे बॉडी लैंग्वेज देखे पहचान लेता है, कपड़े देखे पहचानेगा, इधर एंटीना रखा रहता है, इधर एंटीना से पहचान लेता है, नाम बोलोगे ये मिश्रा वो, बस हो गया ख़त्म। तो वहाँ पैर भी तुम्हारा 30% तो आगे पहले ऑलरेडी जा चुके हो भाई, ये अकारण थोड़ी है कि ये अकारण थोड़े है कि यूपीएससी में बराबर नंबर ला रहा है, सीएसटी ओबीसी सब बराबर नंबर ला रहा है, इंटरव्यू में तुम कम नंबर दे दे रहे हो, क्यों? सबसे ज़्यादा मेरिट वही जो बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने वाला उसी के पास है क्या? उसका इंटरव्यू मैं लूँ क्या? मैं लूँ इंटरव्यू उनका? मतलब तुम्हारे लिए गोवा का स्पेलिंग पूछ लेंगे, बेटा बताओ जरा गोवा का, तो जी ए ओ बोल के भी तुमको पास कर देगा, समझ रहे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे इससे पूछ ले चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताओ, सही भी बोल देगा तो फेल कर देगा। ये तो यहाँ का इंटरव्यू सिस्टम है।